हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 23rd ऑफ जून, और 23rd ऑफ जून को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड ओलंपिक डे। सो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड स्प्रेड द मैसेज टू मेक स्पोर्ट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। और पहली बार 1948 में ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया था। और आज के दिन कई सारी कंट्री जैसे कि पुर्तगाल, ग्रीक, ऑस्ट्रिया, कनाडा, वेनेजुएला, बेल्जियम, इन सब कंट्रीज में एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो ओलंपिक डे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948 टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ऑन 23rd ऑफ जून 1894 एट सबॉन इन पेरिस। और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 23rd ऑफ जून 1948 को। सो आप ध्यान रखेंगे, 23rd ऑफ जून को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड ओलंपिक डे। बढ़ते हैं अब आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज बाई द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 14th, 113th, 116th या फिर 120th। आपको बताना है कि इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसमें भारत की रैंक है 116। आप यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द 18th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंडिया इज रैंक्ड 116th आउट ऑफ 163 कंट्रीज, क्लाइंबिंग 10 पोजीशन फ्रॉम 2023। सो 2023 में भारत की जो रैंक थी वो थी 126, और इस वर्ष की रैंकिंग है 116। द लिस्ट इज टॉप्ड बाय आइसलैंड सिंस 2008, फॉलोड बाय आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। सो टॉप फाइव में जो कंट्रीज हैं वो है आयरलैंड, सॉरी आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। यूरोप को मोस्ट पीसफुल रीजन बताया गया है पूरे विश्व में, एंड इट इज द होम टू 8 ऑफ द 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज सिंस द स्टार्ट ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स। द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन रिमेन्ड द वर्ल्ड्स लीस्ट पीसफुल रीजन, विद मेजर क्राइसिस इन यमन एंड सूडान बिकमिंग द रीजन ऑफ इट्स पुअर रेटिंग। सो आपने देखा कि ये 18th एडिशन है ग्लोबल पीस इंडेक्स का, और इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, और इसमें 23 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। और इसके जो तीन मेन डोमेन है उनमें शामिल है सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। सो आप ध्यान रखेंगे कि जीपीआई में 23 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीडीएस अनिल चौहान रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, सीडीएस अनिल चौहान ने साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडियाज फर्स्ट ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस विल प्रोवाइड अ कॉन्सेप्चुअल गाइड टू कमांडर्स। एंड सेकंड, दिस डॉक्ट्रिन एम्फेसाइज्ड अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस। और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप यहां देख सकते हैं।
सीडीएस अनिल चौहान रिलीज इंडियाज फर्स्ट ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस। इन मॉडर्न वॉरफेयर साइबर स्पेस हैज इमर्ज एज अ क्रूशियल एंड चैलेंजिंग डोमेन। सो इंडियाज फर्स्ट ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस विल प्रोवाइड अ कॉन्सेप्चुअल गाइड टू कमांडर्स स्टाफ एंड प्रैक्टिशनर्स इन प्लानिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। साइबर स्पेस हॉस्टाइल एक्शन कैन इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी कोहेसन पोलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड द एबिलिटी टू डिफेंड। सो दिस डॉक्ट्रिन एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस। इसके साथ ही आप कमेंट करके बताएंगे कि जो सीडीएस का पद होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, ये किस समिति के रिकमेंडेशन से इस पद को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही है। आप यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित तो कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द मौर्य डायनेस्टी। एंड सेकेंड, नालंदा यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। एंड थर्ड, फाहियान जो कि एक चाइनीज स्कॉलर थे विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रोट अबाउट इट्स आर्किटेक्चर एंड लर्निंग। और ध्यान देंगे, आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि सेकंड करेक्ट है कि ये विश्व का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन द 5th सेंचुरी CE ड्यूरिंग द गुप्ता अंपायर अंडर द पेट्रोनेज ऑफ कुमार गुप्त प्रथम। और फाहियान जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्ग था, वो विजिटेड इंडिया इन द 5th सेंचुरी, बट ही डिड नॉट विजिट नालंदा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली। सो चाइनीज स्कॉलर हु विजिटेड नालंदा एंड रोट डिटेल्ड अकाउंट्स अबाउट इट, ये थे वेनसांग। इसके साथ ही जो इत्सिंग थे, उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। सो आप ध्यान रखेंगे कि फाहियान ने स्पेसिफिकली वहां पर विजिट करके उसके बारे में या उसके आर्किटेक्चर के बारे में नहीं लिखा है। सो नालंदा यूनिवर्सिटी इज वाइडली कंसिडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। एंड इट अट्रैक्टेड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया एंड हैड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सो हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसका जो नया कैंपस है उसको हाल ही में इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 19th of June इन द प्रेजेंस ऑफ एम्बेसडर्स फ्रॉम ऑल 18 आसियान मेंबर्स। सो इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन 2010 विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्विंग एज विजिटर टू द यूनिवर्सिटी। और राजगीर में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। यहां पर विश्व स्वर्ण परिषद से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1987 हुज मेंबर्स कंप्राइज द वर्ल्ड्स लीडिंग एंड मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज। एंड सेकेंड, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क USA। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकेंड इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं। सो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था टू प्रमोट द यूज ऑफ गोल्ड एंड डिमांड फॉर गोल्ड थ्रू मार्केटिंग रिसर्च एंड लॉबिंग।
इसका हेडक्वार्टर लंदन में है विद ऑपरेशंस इन इंडिया, चाइना, सिंगापुर एंड यूएसए. सो इट कवर्स द मार्केट्स विच कंप्राइज अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स एनुअल गोल्ड कंजम्पशन. इट इज एन एडवोकेट फॉर गोल्ड कंजम्पशन. द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एम्स टू मैक्सिमाइज द इंडस्ट्रीज पोटेंशियल ग्रोथ बाई मॉनिटरिंग एंड डिफेंडिंग एग्जिस्टिंग गोल्ड कंजम्पशन. सो आपने देखा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गोल्ड से संबंधित, जो कि वैश्विक स्तर पर गोल्ड की देखरेख, उसकी ट्रेडिंग से संबंधित उस पर अपनी नजर रखता है. और इसको फॉर्म किया गया था 1987 में. वर्तमान समय में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं केल्विन डर्न्सकी, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विथ रेफरेंस टू द सेंसस टाउन्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर भारत में जो जनगणना शहर होते हैं उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेंसस टाउन्स आर एरियाज दैट आर डिफाइंड एज अ टाउन बाई स्टेट गवर्नमेंट बट डू नॉट हैव अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड सेकेंड, देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स बिटवीन 2001 टू 2011. एंड थर्ड, वेस्ट बंगाल हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स इन इंडिया व्हाइल मिजोरम हैज नो सेंसस टाउन. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है कि सेंसस टाउन इन इंडिया से संबंधित जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये आपको बताना है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. यहां पर आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है. आप यहां देख सकते हैं. सो सेंसस टाउन्स आर एरियाज दैट आर नॉट डिफाइंड एज अ टाउन बाई स्टेट गवर्नमेंट्स बट हैव अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो अ सेंसस टाउन इज एन एरिया विद अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5,000 एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल मेन वर्किंग फोर्स इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर. सो एज पर द 2011 सेंसस देयर आर 3,784 सेंसस टाउन्स एंड द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स इज वेस्ट बेंगाल, जहां पे 780 टाउन्स हैं और मिजोरम में कोई सेंसस टाउन नहीं है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ज्वाइंट कम्युनिक ऑन पीस फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ टू कंट्रीज. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है शांति समझौते पर संयुक्त विज्ञप्ति जो कि हाल ही में समाचारों में रही है, ये किन दो देशों से संबंधित है, ये आपको बताना है. आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड नेपाल, ईरान एंड इराक, इंडिया एंड चाइना या फिर रशिया एंड यूक्रेन. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये कंट्री है रशिया एंड यूक्रेन. सो शांति समझौते पर जो संयुक्त विज्ञप्ति हाल ही में चर्चा में रही है उसका संबंध रशिया और यूक्रेन से है. आप यहां देख सकते हैं. सो इंडिया डिसोसिएटेड फ्रॉम द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑफ पीस समिट इन स्विट्जरलैंड इम्फेसाइजिंग पीस प्रपोजल्स एक्सेप्टेबल टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन. सो ये जो समिट हुआ था इसका आयोजन हुआ था 15 और 16 जून 2024 को एंड इट एड्रेस्ड द ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट. इसके जो की पॉइंट्स हैं उनमें शामिल है न्यूक्लियर सेफ्टी एट यूक्रेन प्लांट्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज लाइक प्रिजनर एक्सचेंज एंड द रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस्ड यूक्रेनियंस. सो अटेंडीज रीअफर्म्ड कमिटमेंट्स टू इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन रिजोल्यूशंस.
और ये जो समिट हुआ था इसका आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।